नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो गीत है वो किशोर कुमार जी की यूनिक स्टाइल में एक फन फील्ड सॉन्ग। गीत के बोल हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू। गीत की फरमाइश कुछ दिन पहले सिद्धार्थ शर्मा जी ने की थी। खुददार फिल्म का गीत है, अमिताभ बच्चन परवीन बॉबी के ऊपर फिल्माया हुआ है और किशोर कुमार जी की आवाज़। तो पहले मैं आपको थोड़े आराम से स्लो टेम्पो में बजा कर दिखाता हूँ और उसके बाद इसका मुखड़ा और अंतरा हम लोग सीखते हैं। सीखी का हारमोनिका आसान नोटेशन हमेशा की तरह। तो इस तरह से बजेगा, आसान नोटेशंस दे रहा हूँ आपको, तो गीत को सुन लीजिएगा और फिर बजाने की कोशिश कीजिए। पहली लाइन, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। पॉ नोट से हम लोग, ब्लो का नोट है वहाँ से बजा रहे हैं। पा 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 धा धानी, पा 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 धा धानी। गुजराती माँ बोले तने प्रेम करू छू छू छू। पा 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 धा धानी नी नी। बंगाली में कहते हैं, रे रे गा गा रे रे गा, आमी तुमाके भालोबाशी, रे रे गा रे सा, सारे सनी धा, रे रे गरे सा सारे सनी ध। और पंजाबी में कहते हैं, गधा धा गधा धा धा गधा धा धा, तरी तो गरे का तेरे बिन मर जाना, पापा पापा पधा धानी नीध पधा धानी नीध। मैं तनु प्यार करना, पापा पापा धानी नीध। तेरे बिना तेरे जियो नहीं हो लबनी, तेरे जियो नहीं हो लबनी, पापा पापा पधा धानी नीध। ओ साथी हो,
पा धा पा। तो ये हो गया इसका मुखड़ा पार्ट। और लास्ट में निबलिए निबलिए गरे गरे। गरे गरे यहाँ एंड कर दीजिए आप। एक बार और बजा लीजिए इसको, दो बार पूरा मुखड़ा रिपीट हो जाएगा और उसके बाद अंतरा। हम तुम पे इतना डाइंग, हम तुम पे इतना डाइंग, रे रे गा रे गा रे सा, जितना सी में पानी लाइन, सा सा सारे सारे सानी, सा सा सारे सारे सानी, आकाश में पंछी फ्लाइंग, नी नी सानी सानी धम, भावरा बगियन में गाइंग, धा धानी धानी धापा, धा धानी धानी धापा, अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस तरह से सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा बहुत आसान नोटेशन से, और आप थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद आसानी से बजा पाएंगे। तो बस शुरू कर दीजिए आप प्रैक्टिस। और आज के एंड में इस लेसन के सिर्फ इतना आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जब भी आप हारमोनिका पिकअप करते हैं बजाने के लिए, तो उसके पहले ये इंश्योर कीजिए कि आप अच्छी तरह से अपने मुंह को साफ कर लें, अच्छी तरह से गार्गल कुल्ला वगैरह कर लें, या फिर हो सके तो आप थोड़ा सा ब्रश ही कर लें, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स वगैरह अगर आपके मुंह के अंदर है तो वो सलाइवा के साथ आपके माउथ ऑर्गन के रीड्स पे ना चिपके जाकर, जिससे कि आपकी माउथ ऑर्गन ख़राब हो सकती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि अचानक से कोई गीत हमें याद आता है और हम उसको एक दो लाइन बजाना चाहते हैं, तो हारमोनिका पिकअप करके ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उसको अवॉइड कीजिए। हमेशा अपने मुंह को ब्रश कर लीजिए, साफ कर लीजिए, और तभी आप हारमोनिका बजाएंगे तो आपका हारमोनिका थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से बजेगा और लास्ट करेगा। अदरवाइज़ आपको बार बार क्लीनिंग प्रोसीजर वगैरह में जाना पड़ेगा और उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो इसी टिप के साथ आज का लेसन एंड करता हूँ। इस लेसन को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और 499th लेसन है मेरा, ऐसे हम साथ चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। अगला लेसन 500th लेसन होगा, जो मैं मंडे को कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने की। तो चलिए, तब तक के लिए इंतज़ार और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय चैनल कि आपने इतना कोऑपरेट किया, सहयोग किया, अपने कमेंट्स के ज़रिए मोटिवेट किया, जिससे हम इस पड़ाव तक पहुँचे हैं। अपनी संगीत की जर्नी आगे भी चलती रहेगी, इसी उम्मीद के साथ। बाय बाय, थैंक यू।